हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने गुलदाउदी के पौधों को लगाया हुआ था। अभी इसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि गुलदाउदी को कैसे लगाएं, और आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलदाउदी की को कटिंग से कैसे ग्रो करें। तो कटिंग से ग्रो करने के लिए इसकी मैं कटिंग करूंगी, और उसके लिए मैंने अब एक पॉट तैयार किया है। देखिए तैयार नहीं किया मतलब ये देखिए ये मैंने लिया हुआ है। इसमें मैंने दो जगह ड्रेनेज होल किए हुए हैं, एक यहाँ पर और एक ये यहाँ पर, और ड्रेनेज होल करके इसमें मैं मिट्टी डाल दूंगी अभी। और इसकी जो सॉइल तैयार की है मैंने, देखिए ये मैंने इस ट्रे में मिट्टी और गोबर की खाद मिली हुई डाला है। इसमें इसमें मेरे पास बहुत अच्छी गोबर की खाद है, इसलिए मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। और बस इसमें थोड़ा सा ये डालूंगी, ये बालू है और ये बजरी है, तो इससे को डालने से थोड़ा सा मिट्टी जो है कि लूज हो जाती है, तो कटिंग्स को ग्रो करने में आसानी होती है। और इसमें मैं इसको मिला दूंगी। इसको बहुत अच्छे से मिला दूंगी ताकि ये सब तरफ एक जैसी मिल जाए। देखिए मैंने रिवर सैंड और बजरी को मिट्टी में अच्छे से मिला लिया है, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये अभी कटिंग लगाने के लिए तैयार हो गई है ये ट्रे। गुलदाउदी को कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। कटिंग ग्रो करने का यही सही समय है। और देखिए कटिंग लगाने के लिए, जैसे ये पौधा इतना बड़ा है, ये इतना ये, तो इसको यहाँ यहाँ से कट कर देंगे। देखिए इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। इसको भी इसमें से कट कर देंगे यहाँ से। और इनकी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा सा, इसको खराब है हल्की सी, तो मैं हटा दे रही हूँ। इसमें फिर नई नई ब्रांचेज और आएंगी और पौधा और बुशी हो जाएगा। मैंने एक गमले में तीन चार पौधे लगा दिए हैं। तीन चार पौधे लगाने से ये, क्योंकि गमला पूरा भरा भरा सा और बहुत फूल आ जाते हैं इसमें, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। थोड़ी सी कटिंग मैं इस गमले से भी ले लेती हूँ, इस वाले पौधे को। इससे भी मैंने ले ली कटिंग। इसमें ये देखिए मैंने ये 10 कटिंग्स कर ली हैं पौधों से, 10 कटिंग ली हैं लगाने के लिए इसमें। अब इसकी जो ये एक्स्ट्रा पत्तियां हैं यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक इसकी पत्तियां, ये खाली कर दूंगी मैं, मतलब काट दूंगी इसको। काटने के बाद इसमें लगाऊंगी, इसको जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं देखिए, इनको ऐसे कट कर देंगे तो कटिंग आसानी से लग जाती है, क्योंकि ये पत्तियां नीचे रहेंगी तो ये सड़ने लगती हैं, फिर पौधा खराब हो सकता है। देखिए इस तरह से ऐसे इन सब कटिंग्स को मैं कर दूंगी। ये देखिए मैंने पौधों से जितनी भी इनकी एक्स्ट्रा पत्तियां थी नीचे वाली, जो मिट्टी में लगानी है ये डंठल, उनकी मैंने पत्तियां सबकी निकाल दी हैं देखिए, और अब इनको लगाना आसान हो जाता है। अब इसमें 10 कटिंग्स है तो मैं इनमें 10 जगह होल कर दूंगी, हाथ से उंगली से कर दूंगी। देखिए आसानी से हो जाता है। 2, 3, 4 जगह कर दिया यहाँ पर भी, ये इसको लगाना आसान हो जाएगा। इसमें ये मैंने होल कर दिए हैं, अब इनमें मैं पौधों को लगाऊंगी। इन पौधों में ये कई तरह की गुलदाउदी है, कई कलर है इसमें, कई कलर है, तो ये सारे मैं लगा दे रही हूँ। मैं पहचानती हूँ उनके पत्तियों से, पत्तियां जो होती हैं पत्तियों से मैं पहचान लेती हूँ कि किस कलर की गुलदाउदी है। एक एक पौधा लेकर के इसको इसमें आराम से, इतना जो पोर्शन है इसका, इसके टहनी का, ये देखिए पौधे का इतना पोर्शन मैं अंदर डाल दूंगी इसमें। देखिए इसको हल्के हाथों से दबाएं, बहुत ज्यादा नहीं प्रेस करें, नहीं तो ये कटिंग टूट सकती है। बहुत हल्के हाथों से इसको दबा देंगे इसको ऐसे।
फिर दूसरा भी ये, इस तरह से करके मैं भी सारी कटिंग्स लगा दूंगी इसमें। ये देखिए मैंने सारी कटिंग्स को इसमें लगा दिया है स्पॉट में, और मैंने ये जगह ये थोड़ा सा खाली रखा हुआ है क्योंकि इसमें कटिंग लगी हुई है, तो पौधे सारे पास पास में लगे हुए हैं तो पानी डालने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने ये जगह खाली रख ली है कि मैं पानी यहीं से डालूंगी और पूरे में पानी फैल जाएगा और फिर मैं बाद में इसको मिट्टी को बराबर कर दूंगी और पौधे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये आज हमारे यहाँ बारिश हुई है तो मैंने पानी स्टोर करके रखा था, बारिश वाला पानी। बारिश का पानी तो पौधों के लिए अच्छा होता है, सभी बहुत जानते ही हैं। मैं इसी पानी को इसमें डालूंगी, इसको वेस्ट नहीं करूंगी। पानी को धीरे धीरे डालना है, बहुत तेजी से नहीं, और ये यहाँ से पानी सभी जगह पहुंच जाएगा। ये देखिए पानी डाल दिया, देखिए यहाँ तक आ रहा है पानी। ये देखिए मैंने इसे पॉट में पानी डाल दिया है, और इसमें मैं दोबारा पानी तभी डालूंगी जब इसकी सरफेस ये हल्की हल्की सूखी दिखेगी, तभी मैं दोबारा पानी डालूंगी। कटिंग्स में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये सड़ने का डर रहता है इसको। ऐसे जब इसकी सरफेस सूख जाएगी, जब यहाँ से थोड़ी सूखी दिखेगी मिट्टी, तभी पानी डालूंगी इसमें, तो कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं। गुलदाउदी की कटिंग्स लगाइए इस तरह से, और आपके पास भी कटिंग्स आसानी से लग जाएंगी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।